पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में भी आज महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति भारत सरकार को भेजा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला महानगर कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद भाजपा सरकार के शासनकाल में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर सीएनजी और पीएनजी के दामों में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है, जिसको लेकर आज सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस महंगाई पर रोक लगाई जाए। गैस के दाम कम करो, कम करो। डीजल गैस के दाम कम करो, कम करो। ये ज्ञापन है जो लिया और इसका मेन महंगाई को लेकर महंगाई को लेकर ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की माननीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर ये पूरे देश में एक अभियान चल रहा हमारा। अभी हम लोगों ने गैस का सिलेंडर मोटरसाइकिल लेके धरना प्रदर्शन किया था, आज ये किया था 7 तारीख को लखनऊ में पूरा प्रदर्शन है। इसमें हम ये ज्ञापन है राज मांगे हैं हमारी कि जो बेतहाशा गैस पे दाम बढ़े हुए हैं, आप तो भी प्रताड़ित होंगे उससे। और आज जो सभी पेट्रोल सुविधा देखिए कि हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी और कुछ पहुँचेगी। आज जो है सब जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बेताशा महंगाई है उस पर अंकुश लगाने कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग उठाई जा रही है। सरकार को चेताया जा रहा है कि तुरंत तत्काल जो प्रभाव से जो दाम बढ़ाया जा रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए और जो बढ़ती महंगाई है, चाहे वो घर के तेल हो, राशन हो, सब चीज़ें बेताशा इतनी महंगी हो गई हैं। जो ये वादा करते थे सरकार में आने से पहले कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कि इतने 450 रुपये में कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर था, सड़कों पर नाच रहे थे लोग, और आज देखिए आप 1000 रुपये से ऊपर सिलेंडर हो गया, कोई सुन लेने वाला नहीं है। अभी सरकार बन के चुकी है, क्या वजह तेल महंगाई बढ़ रही है? देखिए सब आप भी जानते हैं कि क्या वजह है, फिर हो सकता है अपने मित्रों को कुछ खुश करना हो, मित्रों को कारोबार बढ़ाना हो, ये सब समझ रहे हैं, सब जानते हैं। ये तो चुनावी जुमला था, चुनाव निकल गया, सब वादे झूठे हो गए, आज 100 रुपये से ऊपर तेल हो गया, सबको पता है। तो जनता उनके साथ लगातार क्यों दे रही है? देखिए जनता दे रही है, EVM साथ दे रही है, आप उससे बेहतर जानते होंगे। चुनाव बैलेट पेपर से जिस दिन आएंगे सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस थोड़ी तेज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी और राष्ट्रीय सचिव महासचिव माननीय प्रियंका गांधी जी द्वारा ये पूरे देश में एक अभियान चल रहा है। ये मैं अभी तो फ्रेम बना रहा हूं। जो देश में इस टाइम पेट्रोल पे डीजल पे एकदम इलेक्शन खत्म होने के बाद बढ़ोतरी हुई है, उसके खिलाफ ये अभियान चल रहा है और ये अभियान चलता रहेगा जब तक ये कीमतें वापस नहीं होंगी। देश का बुरा हाल हो गया, अपराध बढ़े हुए हैं, जनपद में भी बहुत अपराध बढ़े हुए हैं, मुरादाबाद जिले में बेपनाह अपराधों की बाढ़ आई हुई है। इसके खिलाफ भी हमने एक ज्ञापन में लिखा है और ये ज्ञापन दिया जा रहा है। इसकी अगली कार्रवाई जो भी दिशा निर्देश प्रदेश के होंगे वो हमें क्या मानते हैं सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए, तत्काल इस पे एक आपातकाल बैठक बुलानी चाहिए और बुला करके इसके दामों पे कड़ी नजर रखनी चाहिए कि ये पहले कहते हैं निजी कंपनियों से हमारा कोई मतलब नहीं और ये पूरे 3 महीने के इलेक्शन कार्यकाल में निजी कंपनियां कहां थी, क्यों नहीं बढ़ा गैस का दाम, इसका मतलब इनकी प्लानिंग थी, इन्होंने जान के बढ़वाया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।